नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माँ एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम फिजिक्स मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से आगे की ओर सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक का सोल्यूशन करा दिया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स मॉडल पेपर सॉल्यूशन करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करते हैं। 41 में क्या बोल रहा है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी तथा चुंबकीय लंबाई एल एम में संबंध होता है। यानी कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और चुंबक की चुंबकीय लंबाई में क्या संबंध है, उस वही हमको बताना है। तो देखिए, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में संबंध जो होता है वो चुंबकीय जो लंबाई होता है वो ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना होता है। यानी कि एल एम इजक्वल टू होता है 5/6 एल जी। यानी कि चुंबक के चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई में संबंध यह होता है कि जो चुंबकीय लंबाई जो होता है वह ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसलिए 41 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या बोल रहा है कि निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नोट होती है। निर्वात की चुंबकशीलता का मान बताना है। तो क्या होता है, म्यू नोट इज इक्वल टू होता है 4π × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या बोल रहा है कि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो निर्वात में क्या होती है, तो शून्य होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 43 का शून्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या बोल रहा है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल क्या होता है। यानी कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल क्या होता है, तो क्या होता है, सी इज इक्वल टू होता है 1/√μ0 ε0, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 को देखिए, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का मान होता है, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। यानी कि एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है। तो देखिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका हम बता दे रहे हैं आपको कितना होता है। इसका वेवलेंथ 10⁻⁸ से 10⁻¹२ मीटर होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। लेकिन ऑप्शन में लगभग में दिया है 10⁻⁷ मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसलिए 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, तो वह होती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के समांतर होती है। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के पैरेलल होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होती है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन 47, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। वेरी वेरी सो सिंपल क्वेश्चन, ये हर बच्चा को पता होगा कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है। तो कितना होता है, 1.6×10⁻¹ कूलम्ब। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए 48 में क्या बोल रहा है कि प्लैंक नियतांक की बीमा होती है। प्लैंक नियतांक की बीमा क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है एग्जाम में और इस साल भी पूछा जाएगा। तो प्लैंक नियतांक की बीमा क्या होती है, देखिए किसी भी क्वांटिटी का राशि का आप बीमा या मात्रक
तभी निकाल सकते हैं जब आपको उसका फॉर्मूला आपको याद होगा। हम पहले भी बोल चुके हैं तो प्लैंक नियतांक क्या होता है, ई एक होता है फॉर्मूला ई इज इक्वल टू एच म्यू, एच होता है यही होता है आपका प्लैंक नियतांक, तो एच यहाँ से निकलेगा ई बटा म्यू हो जाएगा। तो ई बटा म्यू इज इक्वल टू होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा होता है, तो म्यू का मान रखिएगा सी बाई लेमडा, तो लेमडा चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा ई लेमडा बाई सी। यहाँ से ई तो होता है आपका एनर्जी है, जूल हो जाएगा इसका, और लेमडा क्या है मीटर में हो जाएगा मीटर, और सी क्या है सी प्रकाश का वेग है, तो क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, तो एच चल जाएगा ऊपर और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा जूल इंटू सेकेंड। तो इसका जो होता है प्लैंक नियतांक का मात्रक क्या आ गया, प्लैंक नियतांक का मात्रक जो आ गया आपका जूल सेकंड हो गया, लेकिन इसका हमको बीमा ज्ञात करना है। तो जूल के लिए बीमा क्या होता है, जूल का बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, लेकिन ये टी एस क्या है सेकेंड है, तो टी सेकेंड को हम लोग टी में नापते हैं, तो टी हो जाएगा यहाँ पर, तो दो गो टी में से एक गो टी घटेगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपका एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, क्या होगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -1 हो जाएगा। तो देख लीजिए एम एल स्क्वायर प्लैंक नियतांक का क्या हो गया बीमा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। आप यदि नहीं निकालना चाहते हैं तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, इसका मात्रक और बीमा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका मात्रक और बीमा याद कर लीजिए। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल सेकेंड, और इसका बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है, दिए गए चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तो देखिए ईवी जो है यह क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, और 1 ईवी इज इक्वल टू यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, इसलिए जूल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 49 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या बोल रहा है कि रेडियो धर्मी छाई के लिए व्यंजक है, द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इज, यानी रेडियो धर्मी छाई के लिए व्यंजक क्या होता है, तो इसका व्यंजक होता है एन इज इक्वल टू होता है एन नोड ई के पावर -λT, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।